भोलेनाथ के 10 जिंदा शिवलिंग दे रहे हैं कलयुग के अंत का संकेत। हमारी पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुई अलग अलग बातें बताई गई हैं और कई ग्रंथों में कलयुग के अंत में महाप्रलय आने की बात भी कही गई है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जहां पर दुनिया के अंत का राज छुपा हुआ है। विज्ञान और अध्यात्म के इस संगम में महादेव के ये शिवलिंग रहस्यों की एक अनसुलझी गाथा है। इन शिवलिंगों में ऐसे संकेत छुपे हैं जो भविष्य की काली छाया को उजागर करते हैं। जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम ने इन शिवलिंग के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। क्या यह केवल अंधविश्वास है या सच्चाई की एक झलक? कौन कौन सी जगह से कलयुग के अंत के क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, चलिए जानते हैं। यह कहानी उस अनदेखी दुनिया की है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक ही धागे में बंधे हैं, लेकिन महादेव के चमत्कारों के आगे विज्ञान बहुत छोटा नजर आता है, क्योंकि महादेव ही आदि हैं जिनसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ, महादेव ही अनंत हैं जिनसे सृष्टि का अंत होता है, महादेव ही सत्य हैं जो सब में समाया है, महादेव ही शिव हैं जो कल्याणकारी हैं, महादेव ही शक्ति हैं जिनसे सृष्टि का संचालन होता है, महादेव ही ब्रह्मांड के हर अणु में समाहित हैं, महादेव ही अज्ञान का नाश करने वाले हैं, महादेव ही विश्व का संचालन करने वाले हैं, महादेव ही योगियों के योगेश्वर हैं, महादेव ही भक्तों के दुखहर्ता हैं, महादेव ही तपस्वियों के तपस्या का फल हैं, महादेव ही प्रारंभ हैं, महादेव ही अंत हैं और महादेव ही अनंत करुणा के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, चलते हैं महादेव के चमत्कारों से जुड़ी हुई इस अद्भुत यात्रा पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर एक पर है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां स्थित शिवलिंग का आकार दिन प्रतिदिन ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इस मंदिर का शिवलिंग नीचे पाताल लोक को स्पर्श करेगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर एक भयंकर महाप्रलय आएगी। कहते हैं कि यह मंदिर 10वीं सदी में निर्मित हुआ था, परंतु यहाँ का शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है। इस शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। वर्तमान में इस शिवलिंग की ऊंचाई 2.5 मीटर और व्यास 1 मीटर है, लेकिन यह शिवलिंग जमीन के अंदर कितना बढ़ चुका है इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। हर साल की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के कर्मचारी आकर इस शिवलिंग की माप करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका आकार हर साल बढ़ता जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह मंदिर आदिदेव और आदिशक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारी मणि के ऊपर कराया गया है। मान्यता के अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो हर मनोकामना को पूरा करती थी। बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि राजा हर्षवर्धन के पास आई, जिन्होंने इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण कराया। मतंग ऋषि के नाम पर ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। कहा जाता है कि वह चमत्कारिक मणि आज भी इस शिवलिंग के नीचे मौजूद है, इसलिए यहां पर भगवान शिव के कई चमत्कार होते रहते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने कई बार इस शिवलिंग के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वहां से निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नंबर दो पर है यागंती उमा महेश्वर मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां एक नंदी जी की मूर्ति स्थापित है, जिसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन नंदी जी की यह मूर्ति जिंदा हो उठेगी और उसी दिन दुनिया में एक भयंकर महाप्रलय आएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। यागंती उमा महेश्वर मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति का आकार हर 20 साल में करीब 1 इंच बढ़ जाता है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुरातत्व विभाग ने कई बार यहां शोध भी किया। इन शोधों के अनुसार मूर्ति को बनाने में
जिस चमत्कारिक पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उसकी प्रकृति बढ़ने वाली है। इसी वजह से मूर्ति का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि यागंती उमा महेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त पहले नंदी की परिक्रमा आसानी से कर लेते थे, लेकिन लगातार बढ़ते आकार के चलते अब यहां परिक्रमा करना संभव नहीं है। विशाल होते नंदी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वहां से एक पिलर को भी हटा दिया है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में संगमा राजवंश के राजा हरिहर बुक्का ने कराया था। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाना चाहते थे, पर मूर्ति की स्थापना के समय मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था। इस घटना की वजह जानने के लिए ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव के आशीर्वाद से अगस्त्य ऋषि ने उमा महेश्वर में नंदी की स्थापना की थी। इस यागंती उमा महेश्वर मंदिर परिसर में एक छोटा सा तालाब है जिसे पुष्करणी कहा जाता है। इस पुष्करणी में लगातार नंदी के मुख से जल गिरता रहता है। मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य ने पुष्करणी में स्नान करके ही भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर परिसर में कभी भी कौए नहीं आते हैं। कहा जाता है कि तपस्या के समय विघ्न डालने की वजह से ऋषि अगस्त्य ने कौओं को श्राप दिया था कि अब वह कभी भी मंदिर प्रांगण में नहीं आ सकेंगे। नंबर 3 पर है पाताल भुवनेश्वर गुफा। ये गुफा उत्तराखंड के गंगोलीहाट जिला पिथौरगढ़ में स्थित एक रहस्यमयी गुफा है। गुफा के भीतर एक अद्वितीय खंभा गड़ा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खंभे का आकार अभी लगभग 7 इंच का है। मान्यता है कि जिस दिन यह खंभा गुफा की छत से टकराएगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और भयानक प्रलय होगा। इस खंभे के अलावा भी यहाँ कई छोटे छोटे खंभे हैं जिनसे अन्य युगों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस गुफा का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में भी मिलता है। यह गुफा धरती से 90 फीट और समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां स्थित सैकड़ों मूर्तियों और खंभों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस क्षेत्र को महादेव जी की रहस्यमयी नगरी के नाम से जाना जाता है। गुफा में प्रवेश का रास्ता बहुत सकरा है और लगभग 100 फीट नीचे की ओर जाता है। अंदर कई गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें चूना पत्थर ने पानी के प्रभाव से काटकर बनाया है। यहां पहुंचने के लिए मंदिर के अंदर पानी की धारा से होकर गुजरना पड़ता है। किंवदंती है कि यहां पांडवों ने तपस्या की थी और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः खोजा था। गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर भी रखा हुआ है और एक छोटा सा हवन कुंड भी है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला था, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला जिसने बाद में राजा परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। गुफा के अंदर समुद्र मंथन से निकला परिजात का पेड़, ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक के दर्शन, ब्रह्म कपाल, सप्त जल कुंड और टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की आकृति भी दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया गया था, लेकिन लालच में आकर उसने खुद ही अमृत पीने की चेष्टा की, जिससे शिव जी के शाप के चलते उसकी गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह गुफा न केवल 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान है, बल्कि इसके दर्शन से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ के दर्शन का फल भी मिल जाता है। इस गुफा का रहस्य और इसके भीतर की कहानियां हर किसी को चौंका देती हैं। जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और रोमांच आपका इंतजार कर रहा होता है। नंबर 4 पर है तिलभांडेश्वर महादेव शिवलिंग। उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित यह शिवलिंग रहस्यमय और अद्भुत है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका आकार हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन इसका आकार एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा उस दिन दुनिया में भयानक तबाही होगी। उस दिन चारों ओर विनाश का मंजर देखने को मिलेगा। पहले यह शिवलिंग हर दिन एक तिल के बराबर बढ़ता था,
इसका तेजी से बढ़ते आकार देखकर ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यह शिवलिंग इतना तेजी से न बढ़े। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि अब से यह शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर ही बढ़ेगा। इस शिवलिंग के रहस्य को जानने के लिए एक बार अंग्रेज वैज्ञानिकों की टीम ने इसके चारों ओर धागा बांधा। कुछ दिन बाद वह धागा टूट गया और वैज्ञानिक भयभीत होकर वहां से भाग गए। एक बार औरंगजेब ने इस शिवलिंग को तोड़ने के लिए सैनिक भेजे थे। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग पर हमला किया, एक सैनिक के हाथ से खून बहने लगा। ये चमत्कार देखकर सैनिक भयभीत हो गए और वहां से भाग निकले। तिल भांडेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह स्वयंभू है। यह क्षेत्र ऋषि विभांड की तपस्थली थी, जहां उन्होंने शिव की पूजा की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार यह शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता रहेगा। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर का नाम तिल के बराबर बढ़ने और ऋषि विभांड के नाम पर पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में तिल की खेती होती थी। किसानों को यहाँ यह शिवलिंग दिखाई दिया और उन्होंने इसकी पूजा शुरू कर दी। यहाँ के लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे, इसलिए इसे तिल भांडेश्वर कहा जाने लगा। तिल भांडेश्वर महादेव शिवलिंग का रहस्य और इसकी अद्भुत कथाएं इसे और भी रोचक और रोमांचक बनाती हैं। यह शिवलिंग आज भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है और हर साल इसके बढ़ते आकार को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नंबर 5 पर है हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिसके ऊपर एक विशाल चट्टान विराजमान है। शिवलिंग के चारों ओर चार स्तंभ हैं, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक है। किंवदंती है कि जब भी किसी युग का अंत होता है तो एक स्तंभ टूट जाता है। हैरानी की बात है कि 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं, जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का संकेत देते हैं। केवल एक ही स्तंभ बचा है। माना जाता है कि यह वर्तमान युग कलयुग का प्रतीक है। जिस दिन यह अंतिम स्तंभ टूट जाएगा, उसी दिन दुनिया में भयंकर महाप्रलय होगी, चारों तरफ तबाही मचेगी और यह कलयुग का अंत होगा। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह मंदिर एक किले के अंदर स्थित है और इसके पास 3 मुख्य गुफाएं हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर केदारेश्वर की विशाल गुफा है। यहाँ एक बड़ा शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। इसकी ऊंचाई आधार से लगभग 5 फीट है और इसके चारों ओर पानी है, जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है। शिवलिंग तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा और फिसलन भरा होता है। मानसून के दौरान इस गुफा तक पहुंचना असंभव हो जाता है, क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती रहती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चारों दीवारों से नीचे की ओर पानी रिसता रहता है, लेकिन बारिश के समय दीवार से पानी नहीं रिसता है। ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। यह मंदिर अपने आप में रहस्यमयी और अद्वितीय है, जिसमें छिपे हैं अद्भुत रहस्य और प्राचीन कथाएं। नंबर 6 पर है भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। इस शिवलिंग के बारे में बात करते हुए एक अनसुलझे रहस्य और प्राचीनता का अद्भुत आभास होता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से मात्र 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच मरोदा गांव में स्थित है यह अद्भुत शिवलिंग। कहते हैं कि यह शिवलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का संकेत हो। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 18 फीट और गोलाई 21 फीट है और हर साल इसमें 7 से 8 इंच की बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस शिवलिंग में कोई दिव्य शक्ति निवास करती है। लोग बताते हैं कि जब भी गांव के लोग जंगल के पास से गुजरते, उन्हें किसी बैल की हुंकार सुनाई देती थी, लेकिन कोई बैल कभी दिखाई नहीं देता था। यह आवाजें पास के एक विशाल टीले से आती थी। धीरे धीरे लोगों ने विश्वास किया कि इस टीले में भगवान शिव का वास है और यह हुंकार उनके वाहन नंदी की है। इसी विश्वास के कारण लोगों ने टीले को शिवलिंग का स्वरूप मानकर पूजा शुरू कर दी।
स्थानीय भाषा में बैल की हुंकार को भरकुरा कहते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को भरकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 पर है मृदेश्वर महादेव मंदिर। मृदेश्वर महादेव मंदिर की कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। गुजरात के गोधरा में स्थित यह मंदिर एक भयानक भविष्यवाणी का संकेत देता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार कलयुग की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यह शिवलिंग मंदिर की छत को स्पर्श करेगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। हालांकि शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर बढ़ता है, फिर भी इस भविष्यवाणी ने लोगों के दिलों में भय और रहस्य का माहौल बना दिया है। मृदेश्वर शिवलिंग की एक और विशेषता है कि इससे निरंतर जल की धारा बहती रहती है, जिस पर गर्मी और सूखे का कोई प्रभाव नहीं होता। यह धारा हमेशा प्रवाहित रहती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो। इस रहस्यमयी स्थल की कहानियां हमें अज्ञात शक्तियों और पुरानी मान्यताओं की दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर कोने में रहस्य और रोमांच बसा हुआ है। नंबर 8 पर है गणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में स्थित यह मंदिर भी अपने रहस्यमय और अद्भुत इतिहास के कारण जाना जाता है। ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी और रहस्यमय पत्थरों से बनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों पर कदम रखता है या पत्थर फेंकता है, तो ऐसा लगता है मानो कोई पत्थर पानी में गिरा हो। कहते हैं कि प्राचीन काल में गंगा नदी का पानी इन सीढ़ियों तक पहुंचता था, लेकिन अब गंगा नदी यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर बहती है। यह अविश्वसनीय है कि कैसे समय ने इस स्थान को बदल दिया, लेकिन सीढ़ियों का रहस्य आज भी बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को लेकर एक और रहस्य है। कहा जाता है कि हर साल कार्तिक माह में शिवलिंग के ऊपर एक विशेष आकृति अंकुरित होती है। ये आकृति हर बार अलग आकार और रूप में प्रकट होती है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यह आकृति किसी भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ द्वारा समझी नहीं जा सकी है। इस शिवलिंग का रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों के दिलों में भक्ति और रहस्य की भावना जागृत करता है। मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। वर्तमान संरचना को बने हुए लगभग 700 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मंदिर के मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी किसी के पास नहीं है। गणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर अपने रहस्यों और अद्भुत चमत्कारों के कारण श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय स्थान है। नंबर 9 पर है छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर। तेलंगाना के नलगोंडा में स्थित यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक रहस्यमयी गुत्थी भी है जो हर किसी को चौंका देती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने एक भी स्तंभ नहीं है, लेकिन बाहर 2 पिलर बने हुए हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि अगर कोई भी इन दोनों पिलर के आगे खड़ा हो जाए, तब भी शिवलिंग पर पड़ने वाली छाया जस की तस बनी रहती है। यह दृश्य हर बार आपको अचंभित करता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इसका संरक्षण कर रही हो। कई लोग इस रहस्यमय छाया को देवी पार्वती का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार देवी पार्वती हमेशा शिवलिंग पर छाया के रूप में बनी रहती हैं, जिससे उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में एक भी खंभा नहीं है जिसकी परछाई शिवलिंग पर पड़ती हो। यह रहस्य जब वैज्ञानिकों तक पहुंचा, तो वे भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए छाया सोमेश्वर मंदिर आए, लेकिन यह गुत्थी इतनी उलझी हुई थी कि वे भी इसमें उलझ कर रह गए। काफी समय बाद विज्ञान जगत ने इसे प्रकाश का विवर्तन थ्योरी का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने इसे विज्ञान की तर्ज पर एक थ्योरी का नाम तो दे दिया, लेकिन इस रहस्य से वे पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा पाए। अगर विज्ञान के अनुसार इस चमत्कार को प्रकाश का विवर्तन मान भी लिया जाए, तो एक हैरान कर देने वाली बात यह सामने आती है कि क्या 800 साल पहले भी विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था, और क्या उन्हें प्रकाश के विवर्तन की थ्योरी पहले से ही पता थी, या फिर यह मंदिर किसी प्राचीन अनजानी और अदृश्य शक्ति का प्रमाण है जो आज भी हमें चुनौती देती है। यह रहस्य आज भी बरकरार है
और इस मंदिर की छाया हमें हर बार चौंकाती है, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति का संदेश हो। नंबर 10 पर है लाखा मंडल महादेव मंदिर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित यह मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की खासियत है कि यहाँ मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। महाभारत काल में जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था, तब युधिष्ठिर ने अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर के प्रांगण में स्थित है। मंदिर के प्रांगण में दो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हैं। कहते हैं कि जब किसी मृत व्यक्ति को इन द्वारपालों के सामने रखा जाता था और पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़का जाता था, तो वह जीवित हो जाता था। कुछ पल के लिए वह व्यक्ति फिर से जी उठता और भगवान शिव का नाम लेता था। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती थी। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात में मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे एक वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखा मंडल के शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जल अभिषेक करता है, तो उसे इसमें अपने चेहरे की स्पष्ट आकृति नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यहां पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह मंदिर आश्चर्य और रहस्य के बीच लिपटा हुआ है और हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।